अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है इसमें बाल मनोविज्ञान CDP की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले टॉपिक में आप वृद्धि के बारे में पढ़ चुके, आज जो हम लोग अभिवृद्धि एवं विकास टॉपिक का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो जो है, चाहे वो UPDLED कर रहा हो, चाहे BTC, चाहे किसी भी राज्य के CTET, UPTET या कोई भी टेट हो, SuperTET, सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि इससे बाहर CDP कहीं से नहीं आएगी। इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे CTET हो, सभी की न्यूज अपडेट भी मिलती रहे, वैकेंसियों की भी जानकारी मिलती रहे, आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी वो भी उपलब्ध इस चैनल पर कराई जाएगी। हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चलिए, आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंग में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो, ठीक है। तो ये अभिवृद्धि की डिफिनेशन किसने दिया था? सोरेनसन ने। अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंग में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव, सोरेनसन ने। नेक्स्ट है, विकास में परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं? मात्रात्मक एवं गुणात्मक। बहुत इम्पोर्टेंट नेक्स्ट है, भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा के। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर वर्ग ने। विकास होता है वर्तुलाकार। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिकसन। भाषा विकास सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, आ भी चुका है ऊपर। भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया? भाषा विकास सिद्धांत चॉम्स्की ने। नैतिक विकास सिद्धांत कोहलर वर्ग ने, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप बारंबार रिपीट कर डालिए और इसको रट्टा मार दीजिए, इसमें से निश्चित है कि पूछे जाएंगे क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? चार अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला है इंद्रिय जनित कामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है, कितना होता है? 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट है, भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, ये क्या हैं? संवेग हैं। नेक्स्ट है, विकास की मुख्य 5 अवस्थाएं होती हैं, मीन्स पूछा जाता है विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। हालांकि ये टॉपिक पीछे
पढ़ाई जा चुकी है। ठीक, विकास की 5 अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास है एक दूसरे के पूरक। नेक्स्ट है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकास। तो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। नेक्स्ट है विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान है। मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है तो कहाँ से होता है? जन्म के पूर्व से या गर्भावस्था से। नेक्स्ट है अभिवृद्धि है, तो अभिवृद्धि क्या है? एक जैविक क्रिया है। विकास के लिए आवश्यक है, तो विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? अधिगम और वातावरण। एक बार ये भी पूछा गया था शरीर की लंबाई बढ़ना क्या है, तो अभिवृद्धि है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पीनियल ग्रंथ से विकास होता है, किसका होता है? मस्तिष्क का। नेक्स्ट विकास के कितने पक्ष? 5। विकास की कितनी अवस्थाएं? 5। नेक्स्ट है परिपाक काल का समय होता है, तो परिपाक काल का समय 9 से 12 वर्ष। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है, तो प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है। अभिवृद्धि क्या है? तो अभिवृद्धि एकांगी प्रक्रिया है। विकास क्या है? बहुमुखी प्रक्रिया है। बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है? तो बालक जो है हाथ एवं पैर पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। किसने कहा? गिलफोर्ड ने। व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि है प्रश्नावली। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? केस अध्ययन। चेतना का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? एडलर ने। अगला है लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? फ्राइड ने। अगला है एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो व्यापकता, विश्वसनीयता, वैधता, मानक। नेक्स्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, टीएटी की रचना की थी। टीएटी की रचना किसने की थी? मोर्गन व मरे ने। आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का संबंध है ये किसने दिया था? मास्लो ने। आवश्यकता सिद्धांत का संबंध है ये भी मास्लो। टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं बहुत पूछा गया है, 31 कार्ड होते हैं। टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रोसा मार्स परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग होता है? तो रोसा मार्स परीक्षण में कुल 10 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। हर्मन रोसा मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मैस्लो। सील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अल्पोर्ट। शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक? सेल्डन। एक है बहुत इम्पोर्टेंट है इदम अहम पराहम का संबंध है, किसने इसको बताया था? फ्रायड ने। और टीएटी परीक्षण कितने घंटों का होता है? तो 2 घंटे का होता है। नेक्स्ट है अचेतन
तत्व पर अत्यधिक जोर दिया है। किसने दिया है? फ्रायड ने। अहम का संबंध किससे है? यथार्थ जगत से। इदम का संबंध किससे है? वास्तविक जगत से। पराहम का जगत किस संबंध किससे है? तो संस्कार नैतिकता से। नेक्स्ट है, TAT परीक्षण की खोज कहाँ हुई थी? तो TAT परीक्षण की खोज अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण में कौन कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्याही धब्बा परीक्षण में लाल, काला और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो पर्सोना, याद रखिएगा पर्सोना। प्रक्षेपण विधियाँ मापन करती हैं, किसका मापन करती प्रक्षेपण विधियाँ? व्यक्तित्व का। नेक्स्ट है, रोड़सा बुद्ध परीक्षण निर्मित हुआ था 1921 ईस्वी में, बहुत पूछा गया है। रॉबर्ट किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट जो है मनोविश्लेषणवादी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार व्यक्ति होते हैं, तो भारतीय आयुर्वेद शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार व्यक्ति 3 कैटेगरी बांटी गई, कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वात प्रधान। नेक्स्ट है, व्यवहार ही व्यक्तित्व है, किसका कथन है? ये वाटसन का है। व्यवहार ही व्यक्तित्व है, किसका कथन है? वाटसन का। ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, इसको किसने कहा था? वुडवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में 3 गुणों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में 3 गुणों का उल्लेख मिलता है, वो कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? जैविक या आनुवांशिक और पर्यावरण संबंधी। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम, पराहम 3 तत्वों का विशेष महत्व दिया, किसने दिया था? फ्रायड ने। ठीक है, इदम, अहम, पराम, इसको याद रखिए। फ्रायड, इदम है, इदम क्या है? सुखवादी सिद्धांत और भौतिक सुख। अभी इसके पहले आया भी था ये, तो वहाँ जो है इदम, अहम, पराहम का संबंध फ्रायड। ठीक है, इदम का संबंध पाश्विक और अहम का यथार्थ जगत से, पराहम संस्कार और नैतिकता से, वही है दूसरे रूपों में पूछा जाता है, तो यहाँ कैसे पूछा जाता है उसको आप ध्यान देंगे। इदम जो है सुखवादी सिद्धांत और भौतिक सुख को प्रकट करता। ठीक है, और अहम जो है वास्तविकता, भौतिक जगत, यथार्थ जगत को। ठीक, अहम जो है वास्तविकता, भौतिक जगत और यथार्थ जगत, जबकि परा अहम जो है क्या है? संस्कार व आदर्शों से संबंधित है। ठीक है ना, संस्कार व आदर्शों से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्याही धब्बा परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? तो हरमन रोड़सा द्वारा, रोड्स लिखा गया, हरमन रोड्स या हरमन रोड़सा द्वारा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, TAT परीक्षण या टाइट परीक्षण करके बोला जाता है, क्या है? व्यक्तित्व लक्षण का अध्ययन। में TAT परीक्षण में क्या किया जाता है? व्यक्तित्व लक्षण का
अध्ययन किया जाता है। जबकि रोड़सा से आई दबा परीक्षण में किसका अध्ययन किया जाता है? अचेतन प्रेरणा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है निष्पादन परीक्षण में किसका अध्ययन किया जाता है? अशिक्षित की बुद्धि का, ठीक है, अशिक्षित की बुद्धि का। अगला है मौखिक परीक्षण में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मौखिक परीक्षण में शिक्षित की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। मौखिक परीक्षण में शिक्षित की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है चिमटी परीक्षण, बहुत बार पूछा गया है, में किसका अध्ययन किया जाता है? यांत्रिक कौशल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है स्मृति परीक्षण में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें स्मृति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जान लीजिए कि वो ये जो टॉपिक चल रही है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोड़सा से आही दाबा परीक्षण हुआ या TAT परीक्षण में से तो चिमटी परीक्षण हुआ, वो कई बार इदम अहम परा अहम ये बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता, तो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ड्रा ए मैन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? तो ड्रा ए मैन परीक्षण मूलतः जो है गुड एन एफ द्वारा निर्मित है, गुड एन एफ। देखिए नीचे कुछ परीक्षण हैं और उनके प्रतिपादक हैं, इसको याद रखेंगे आप, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक है TAT परीक्षण, तो TAT परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन और मरे। रोड़सा स्याही धब्बा परीक्षण के हरमन रोड़सा। एक है कैट परीक्षण माने CAT लियोपोल्ड ब्लैक। नेक्स्ट है शब्द साहचर्य विधि, तो शब्द साहचर्य विधि किसकी है? गाल्टन 75 शब्द और युंग जो है 100 शब्द, इसके प्रतिपादक। क्रॉस आउट परीक्षा, इसके प्रतिपादक प्रेसी, कौन है? प्रेसी। अगला है अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी परीक्षा, तो इसके लेयर्ड, मेस्टोन एवं हीड्रडर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मोजेक परीक्षण, मोजेक परीक्षण जो है मार्गरेट लेविन फील्ड ने, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको बताएं कि TAT परीक्षण जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, TAT, और रोड़सा स्याही धब्बा परीक्षण और क्रॉस आउट परीक्षण ये कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ड्राईमैन परीक्षण भी पूछा गया है गुड NF द्वारा, ठीक है। TAT और रोड़सा स्याही धब्बा परीक्षण तो आप याद करके जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला है कि व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं, तो व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? जे बी वाटसन। अगला बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा, किसका कथन है? वाटसन का। मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा, किसका है? वाटसन का। अगला है इदम इगो सुपर ईगो,
इदम, ईगो, सुपर ईगो को मानव की संरचना का विभिन्न अंग है कि संरचना का विभिन्न अंग है। तो कौन मानता है इसको? फ्रायड। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आया, SOR कारक किसकी देन है? तो वुडवर्थ। SOR कारक वुडवर्थ की देन है। अगला है कि रास के अनुसार से साकार होता है, तो 1 से 6। मांग सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मास्लो ने। मांग सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मास्लो ने। शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया था? सेल्डन ने। सील गुण सिद्धांत किसने दिया था? GW अल्पोर्ट और कैटल ने। वैसे ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। ये भी आ चुका है। ठीक है, तो ये इसमें SOR कारक किसकी देन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और मांग सिद्धांत किसने दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, सील गुण सिद्धांत किसने दिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने, भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो और इसमें TAT परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, इसके प्रतिपादक कौन है, इम्पोर्टेंट है, हरमन रोरसा। ठीक है, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी परीक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेयर्ड मेस्टोन एवं हिडडर। और इस वाले टॉपिक में इदम, अहम और परा अहम को आप इम्पोर्टेंट रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर रट्टा मार दीजिए। ठीक है, अगर आप इनको रट्टा मार के जाते हैं, जान लीजिए कि इसमें से आज की वीडियो से कम 2 क्वेश्चन तो मिलने तय हैं। ठीक, और ये जो परीक्षण है इनको आप ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है, ये जो परीक्षण है इसको आप ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस वाले में जो है, जो पूछा गया है, प्राचीन भारतीय मान्यता, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, रोरसा बुद्ध परीक्षण कब निर्मित हुआ था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्याही धब्बा परीक्षण के अंग, ये भी बहुत, और व्यक्तित्व को यूनानी भाषा के किस शब्द से लिए गए, पर्सोना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इदम, अहम, परा अहम, ये बहुत इम्पोर्टेंट, टाइट की खोज, ये भी याद रखिएगा, हरमन रोरसा कहाँ के मनोवैज्ञानिक, ये भी याद रखिएगा, सील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक, ठीक, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। चेतना का सिद्धांत किसने दिया था? टाइट की रचना, ठीक, टाइट परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं, तो ये आज के बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की सीरीज थी वो थी। तो और भाषा विकास सिद्धांत चौमस की बहुत बार पूछा गया, विकास कैसा होता, वर्तुलाकार होता है, कई बार पूछा। तो आज की टॉपिक में बस इतना ही, फिर अगली टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेकर आपको। ठीक है ना, आपको ये पूरा CDP हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको CTET हो, चाहे TET हो, चाहे SuperTET हो, ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं, इतना मेरा दावा है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्त यारों को शेयर भी करें, और कोई बात हो तो कमेंट भी करें।
करें, ठीक है। और प्लीज़ ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।